सो हेलो एवरीवन, आज हम जो है दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग एंड आज हम गाड़ी के ब्रेक पैड्स लेने जा रहे हैं करोल बाग, बिकॉज जो जेन्युइन ब्रेक पैड्स हैं वो करोल बाग से मिल जाएंगे एंड यहाँ पे मैं किसी भी लोकल टेक्नीशियन या किसी से भी मैं इसकी फिटिंग करा सकता हूँ। देर इज़ नो सेंस ऑफ गोइंग टू द कंपनी फॉर द ब्रेक पैड्स बिकॉज ईजिली बहुत जल्द ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं ब्रेक पैड्स। सो हम वहीं ढूंढने जा रहे हैं, देखते हैं करोल बाग में मुझे ब्रेक पैड्स मिलते हैं नहीं मिलते जेन्युइन होंडा के, होंडा सिटी के। दिस इज़ माई 2015 मॉडल एंड इसके लिए हम ब्रेक पैड्स लेने जा रहे हैं एंड जस्ट कैच यू व्हेन वी विल बी देयर। This is where I got these brake pads from. This is Rajesh Motor है यहाँ पे करोल बाग में एंड यहाँ से मुझे brake pads मिल गए हैं approximately 3100 के अंकल कह रहे थे, मैंने दो सेट लेने थे तो मेरे को 3050 rupees के एक सेट लगाया और it was total around 6100 for two sets. So finally guys, I've got these brake pads. मुझे brake pads मिल गए हैं वाले एंड ये होंडा के genuine brake pads हैं for होंडा आईवी टेक। और मैं यहाँ पे आया था साहनी ऑटोमोबाइल सबसे पहले तो, बट वहाँ पे मुझे मिले नहीं तो मैंने फिर इधर से पता करा तो मुझे यहाँ पे एक जो बहुत ब्रांड चलता है वो है TVS ब्रांड के, बट आई वांटेड द जेन्युइन वन। सो फिर मुझे फाइनली मुझे होंडा के मिल गए, राजेश मोटर्स से मिले हैं मुझे और मुझे एक ब्रेक पैड का सेट ये मिला है 3050 rupees का। यहाँ पे 3100 कह रहे थे बट ज़्यादा कम नहीं करा, 3050 का मुझे एक पड़ा है एंड अब मैं बस इसे इंस्टॉल करवाने लगा हूँ एंड जस्ट कीप वॉचिंग। ठीक है भाई, माहिर भाई से बात हो गई है, ब्रेक पैड लगा रहा है भाई 300 रुपये में, भाई कम भी नहीं कर रहा पैसे, 300 रुपये में भाई लगा रहा है ब्रेक पैड। हाँ, भाई को पता लग गया, कह रहा यूट्यूब पे चैनल है भाई जी। जेन्युइन ब्रेक पैड्स हैं जो मैंने अभी खरीदे हैं एंड आई एम अगेन अपडेटिंग यू दैट आई बॉट दीज फॉर 3050 rupees और अभी मैं बाहर से फिट करवा रहा हूँ मैं। माहिर भाई कह रहे हैं कि हमारे ब्रेक पैड्स डिस्क जो हैं वो पूरे मतलब लाइन आ गए क्योंकि ब्रेक पैड्स पुराने हो गए थे, तो अब वो कह रहे हैं कि ब्रेक डिस्क की स्किमिंग करनी पड़ेगी एंड सो नाउ वी आर इन द ओपनिंग प्रोसेस ऑफ द डिस्क। चेक आउट द कंडीशन ऑफ द डिस्क, यहाँ पे देख रहे हो आप डिस्क पे दो दो लाइनें आनी शुरू हो गई हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेक पैड जो है जो कट जाता है तो इधर लाइन्स आ जाती हैं। एकदम दूसरा अब टायर खोलने के प्रोसेस में है और इसकी भी जो डिस्क है इस पर बहुत ज़्यादा लाइंस आ गई हैं, उससे ज़्यादा ही है, उससे भी ज़्यादा है। माहिर भाई कह रहा है उससे भी ज़्यादा है, माहिर ही है ना भाई नाम जी भाई, माहिर भाई, माहिर भाई ने हमारे 100 रुपये बचा दिए, 500 रुपये भाई पहले बोल रहा था कि लगेंगे, अब 400 में करवा दिया काम भाई ने। ठीक है गाइस, आई जस्ट अपडेट यू आफ्टर दिस प्रोसेस इज डन, उसके बाद हम फिर ब्रेक पैड चेंज करेंगे। सो मैंने यहाँ से माहिर से काम कराया, बहुत अच्छा बंदा लग रहा है मुझे, तो इसने कहा है कि भैया अगर आप इसमें से डिस्क चेंज करा सिर्फ डिस्क पैड चेंज कराते हो तो आपकी लेकिन डिस्क में लाइंस हैं, इतनी अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो डिस्क को स्किमिंग करने के लिए उसने खैराज पे दिए हैं और उसके 400 rupees लग रहे हैं दोनों डिस्क के। और ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन विद द प्रोसेस, अभी एक घंटा लगेगा यहाँ पे, आई एम वेटिंग फॉर कि डिस्क एक बार सारी सही हो जाए, उसके बाद जो नए डिस्क पैड्स हम उसको इंस्टॉल करेंगे गाड़ी में। डिस्क का स्किमिंग हो चुकी है और ये देखो अब कैसा आ रहा है, सारी लाइन जिसमें से हट गई हैं, बिल्कुल नए डिस्क पैड जैसी हो गई है। क्यों माहिर भैया बताएंगे कैसा लग रहा है, कैसा काम हुआ है? आपको तो लग ही चुका होगा बेस्ट काम हुआ है, माहिर भाई बता रहा है काम बहुत बढ़िया हुआ है, फर्स्ट क्लास। अब इसके बाद हम इसमें डिस्क पैड्स इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, पुराने डिस्क पैड्स की मैं आपको एक बार दिखाऊंगा क्या सिचुएशन है। वाइज पोजीशन पुराने ब्रेक पैड्स की बिल्कुल खिंच चुके हैं, सारे ख़त्म हो चुके हैं। एंड जस्ट चेक आउट द न्यू ब्रेक पैड्स, ये कंपेयर करो नए वाले और पुराने वाले। तो फाइनली गाइस एक टायर का पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे हमने डिस्क जो है उसको भी हमने स्किम करके नया कर दिया है पूरा, जैसा भी देख सकते हैं, और उसके बाद डिस्क पैड्स भी जेन्युइन होंडा के लग चुके हैं इसमें एंड वी जस्ट लेफ्ट विद द प्रोसीजर फॉर द अदर साइड एंड लेट्स कंटिन्यू विद इट। ये हमारा दूसरा प्रोसेस भी ख़त्म हो चुका है दूसरी वाली डिस्क का और ये आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ से लाइंस बिल्कुल ठीक हो गई हैं, पूरा हमने स्किमिंग अच्छे से इसकी कर ली है, माहिर ने
स्किमिंग करवाई है एंड वो कह रहे हैं कि इसका यूज़ नहीं होता, कि हर अगर चेंज हो जाए 3-4 बार एक डिस्क की स्किमिंग हो सकती है, हर बार हमें डिस्क चेंज करने की इतनी ज़रूरी ज़रूरत नहीं होती है। और आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ से सारी लाइंस हट गई हैं। तो गाइस अब यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा जो उस साइड पे हुआ था, यही प्रोसेस यहीं पे हम करेंगे। क्या नाम क्या भैया आपका, नाम क्या है? सुरेश। सुरेश, ये सुरेश जी से हमने स्किमिंग कराई थी, वाली मशीन में स्किमिंग होती है और उन्होंने 400 रुपीज़ मुझे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है सुरेश जी, किसी को भी रेफ़र करना होगा आपको ज़रूर रेफ़र करूँगा मैं। तो माहिर भाई ने सारा काम ख़त्म कर दिया है और माहिर भाई से एक बार बात करते हैं। माहिर भाई, अगर किसी और को कुछ कराना हो क्या क्या कर सकता है माहिर भाई? सब कुछ कर सकता है, सारे गाड़ियों के काम हो जाएंगे। ठीक है, मैं माहिर भाई का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, जिसको भी माहिर भाई से काम कराना हो करा लो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ब्रेक पैड्स थे मैंने चेंज करा लिए हैं और जो मुझे टोटल कॉस्ट ब्रेक पैड्स की जो आई है 3050 का जो था ओरिजिनल जेन्युइन था होंडा का ब्रेक पैड, और 300 रुपीज़ की मुझे उस पर लेबर लगी है माहिर से जो मैंने काम करवाया था, और काम उसने बहुत अच्छा करके दिया है। वेल, अगर यही काम मैं कंपनी से कराता तो कंपनी वाले कम से कम 5-6 हज़ार रुपये लेते। एंड इनफैक्ट अब मैंने जो काम कराया है वो मैंने होंडा के जेन्युइन पार्ट से ही कराया है, सो आई गेस देर इज़ नो डिफरेंस, चाहे मैं कंपनी से अब कराता इधर से कराता डिफरेंस कुछ नहीं है क्योंकि मैंने जेन्युइन पार्ट यूज़ करे हैं। दैट्स इट, काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं घर जा रहा हूँ। काम आई गेस बहुत अच्छा हो गया। और हाँ, मैंने दो ब्रेक पार्ट इसलिए लिए क्योंकि मेरे पास दोनों होंडा सिटीज़ हैं, सो मेरे को दूसरी गाड़ी का भी चेंज करना है, तो और मोस्ट प्रोबेबली मैं आज तो नहीं कराऊंगा, वो कल ही करवाऊंगा मैं। माहिर ही करेगा चेंज, वो अच्छा है, लाइक ही इज माहिर इन दैट वर्क। सो वेल, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस और अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में काम हो गया करोलबाग से, और एक जेन्युइन चीज़ होगी। सो गाइस, एज द वर्क इज ओवर नाउ आई विल बी हेडिंग होम एंड आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप यू गाइस एंजॉयड एंड मैं माहिर का नंबर है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ब्रेक पैड जो मैंने लिए थे वो राजेश मोटर से लिए थे। फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं साहनी ऑटोमोबाइल से लेता, बट उनके पास जेन्युइन थे नहीं, सो मैं फिर राजेश मोटर से मैंने ब्रेक पैड्स लिए। और दैट्स इट, मैं आपको लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहाँ पे है साहनी ऑटोमोबाइल्स एग्जैक्टली। एंड थैंक यू गाइस एंड लेट्स एंड विद द डेज़ व्लॉग। थैंक यू।